वार्ता के क्रम में मैंने जरूर आग्रह किया था कि राजस्थान का एक क्षेत्र विशेष मारवाड़ का क्षेत्र पानी की कमी रहती है, तो कुछ ऐसा वैज्ञानिक शोध होना चाहिए जिसके आधार पर कम पानी में ही कौन कौन सी फसलें और अच्छी हो सकती है। और उसमें सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में भी चर्चा की कि सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर जो भी शोध कार्य हुए हैं प्रयोगशालाओं के माध्यम से, तो उसमें अगर जिस जमीन में एक फसल ही है तो क्या वो दो फसल हो सकती है, तीन फसल हो सकती है, उसे क्या किया जा सकता है। और हमने ये भी आग्रह किया विशेष रूप से जैसे इस समय पानी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, वाटर कंजर्वेशन का है, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग का है और ग्राउंड वाटर का है। तो हमने इन विश्वविद्यालयों में और कृषि वैज्ञानिकों और बाकी लोगों से आग्रह किया इसकी इसका स्ट्रक्चर किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि जामनेर विश्वविद्यालय में इन्होंने इस बार पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। ये तो वाटर कंजर्वेशन का है, बहुत अच्छा उन्होंने बना रखा है। दूसरा जो एक विशेष ध्यान देने की चीज थी जिसकी हम जिसके लिए आग्रह करते थे जो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होती है, अगर पानी कई जगह से आता है तो आसपास का जो कुएं होते हैं या जिसे पंप होता है तो जो लेवल है उसका वाटर का उससे ऊपर हुआ है, ये ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का परिणाम है। और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग केवल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कारण नहीं तो बाकी जगह से जो पानी आ रही है इंदौर से उसको स्टोर करने का प्रयास, और उन्होंने अच्छा किया है, काफी बड़ा था। तो इसके बारे में भी हमने एक तरह से जोड़ दिया था कृषि वैज्ञानिकों से और किसानों से भी, इस दिशा में पूरी चर्चा भी थी कि इसको कैसे किया जा सकता है बीकानेर में और जामनेर में दोनों कृषि विद्यालय में। मैं दोनों प्रकार के लोगों से वार्ता की थी, उनका सम्मेलन था, मैंने व्यापारियों के बीच में भी उनके भी सम्मेलन में भी गया और उनसे भी चर्चा भी हुई, भाषण भी हुए, क्या कठिनाइयां हैं क्या इत्यादि सो भी हमने जानने का प्रयास किया था। एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें ये जो शहीद परिवार का था, शहीद परिवार के नमन की बात थी, है नमन उनको, इस कार्यक्रम में शहीद परिवार के काफी मिलकर के उनको सम्मानित भी किया था और शहीद परिवारों के लिए क्या हो सकता है इस संबंध में कुछ उनसे वार्ता भी की। और मुझे अच्छा लगा कि जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको आयोजित किया था वो जगह जगह जाकर शहीद परिवारों के घर में उनको बकायदे सम्मानित करते हैं और कोई ना कोई एक स्मृति चिन्ह भी वो प्रदान करते हैं, एक अच्छा प्रयास रहा है। हमने बुद्धिजीवियों के भी कार्यक्रम में मैं गया और विशेष रूप से जयपुर में एक कार्यक्रम हुआ था जयपुर डायलॉग, ये जयपुर डायलॉग शहर का जयपुर डायलॉग, और उसमें कई तरह से लोग आए थे, बड़े विद्वान लोग थे, तो उसमें भी अपना विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। और उसमें बुद्धिजीवियों से इंटेलेक्चुअल से आज के परिस्थिति के बारे में और उस परिस्थिति के अंतर्गत किस ढंग से सामाजिक समरसता सुदृढ़ता स्थापित की जा सकती है इस संबंध में उन्होंने से चर्चा हुई थी। इसके साथ ही साथ अधिवक्ताओं के बीच देना जा रहा हूं, अधिवक्ता परिषद और बार एसोसिएशन, इनके भी कार्यक्रम में मुझे दो बार जाना होना था। और 26 नवंबर जो संविधान दिवस था उसमें मैं गया था, उसमें यहाँ के जस्टिस शर्मा नहीं थे और उसमें विशेष रूप से संविधान में चर्चा हुई और जोर दिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज,
इसके बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की जाए, और मैंने विशेष रूप से इसीलिए आग्रह भी किया था। दिव्यांगों के बारे में भी, क्योंकि मैं स्वयं इस संबंध में ज्यादा प्रयत्नशील रहा हूं, जब मैं सांसद था तो उस समय जिस क्षेत्र में सांसद था तो मैंने जगह जगह दिव्यांगों के गांव में गरीब लोग थे उनके बीच कैंप्स हुए और दिव्यांगों का इलाज भी करवाया था। और अगर कोई अंग खराब है, पैर खराब है, हाथ खराब है, आंख खराब है, कान गड़बड़ है, तो इस प्रकार का जहां ऑपरेशन की आवश्यकता हुई ऑपरेशन ही करवाया था, और जहां उपकरणों को वितरण करने की जरूरत उपकरणों को वितरण करवाया था। तो ये रुचि होने के कारण यहां भी सबसे पहले दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण किया गया था। लगभग 4,000 लोग रहे होंगे उसमें, था मैं और चिकित्सा किया था। और दिव्यांगों के बारे में मैं वाराणसी भी गया था, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था वाराणसी में, तो दिव्यांगों के प्रसंग पर गया था। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर पीआईबी की तरफ से, केंद्र की तरफ से विशेष रूप से आयोजित किया गया था 150वीं वर्षगांठ गांधी जी की उदयपुर, तो उसका मैं लॉर्डशिप भी किया था। एक प्रदर्शनी भी थी, बहुत अच्छी प्रदर्शनी थी, डिजिटल थी, गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में उसका वर्णन था। जहां जाए डिजिटल होने के नाते के पास सारी चीजें सामने आ जाती थी, तो उसमें भी और 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं कई स्थानों पर कार्यक्रम गया, प्रदेश में भी और बाहर भी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया था, वहां भी इस पर चर्चा हुई थी, और वाराणसी विश्वविद्यालय में भी दीनदयाल उपाध्याय आश्रम संस्थान की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, उसमें भी गया। इस तरीके से मिलाकर हमने प्रयास किया कि सर्वाधिक समय का उपयोग सकारात्मक तौर पर किया जाए और इस प्रकार का हो जो लोगों की दिशा प्रदान करने वाला हो। मैं राजस्थान के देवस्थानों पर भी गया था, क्योंकि देवी देवताओं में मैं विश्वास रखता हूं, दर्शन करने की प्रबल आकांक्षा तो रहती है, साथ ही साथ दर्शन करना और वहां की सारी स्थिति को देखने का प्रयास हमने किया। और मैं सोचता हूं कि वो अच्छी स्थिति रही। महिला सशक्तिकरण का इस समय काफी जोर भी दिया गया है, और मैंने अनुभव किया कि लड़कियां इस समय सबसे अधिक आगे बढ़ी है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं महिला जो विद्यापीठ है, जो सबसे पहले लड़कियों के बारे में जरूरी चिंता की, पंडित हीराला शास्त्री ने जो जो संविधान सभा के सदस्य थे, हाँ वही थे, उन्होंने वनस्थली में जिस तरीके से लड़कियों के अंदर सभी प्रकार की प्रतिभा जागृत हो और स्वयं सुरक्षा करने में वो सक्षम हो सके, उनके अंदर धूप पहले से, और उन्होंने केवल शिक्षा ही नहीं है तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए जो आवश्यक अपने व्यक्तिगत रूप से जो आवश्यक चीजें हैं उसकी भी ट्रेनिंग। और आज इसलिए वनस्पति विद्यापीठ में हुई है कि मैंने ज्यादा देखा कि घुड़सवारी छोटी छोटी बच्ची कक्षा 10 की, मैंने देखा एक कक्षा 10 की लड़की वो बिहार की रचना थी, उसने 5 घोड़ों को एक साथ करके कोई अद्भुत था। तो उस विश्वविद्यालय में नर्सरी से लेकर और पीएचडी तक दो लड़कियां, और उन्होंने अपने प्रतिभा का लोगों का आयन बनाया है। तो ये भी मैं ये 100 दिन के अंदर इतना तो हुआ ही, साथ ही साथ मैंने विश्वविद्यालय में लगभग 10 विश्वविद्यालय में, जिसमें 6 विश्वविद्यालयों का तो कन्वोकेशन किया है,
और चार विश्वविद्यालय में मैंने तीन विश्वविद्यालय और हैं, इसको पूरा करने का देश वो कर्मिशन 9 विश्वविद्यालयों का हो जाएगा। इसके अलावा 2 विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालय और बीकानेर और अजमेर, यहाँ भी जाना हुआ है। अजमेर विश्वविद्यालय में इसके 2 बार जाना हुआ, एक बार स्वामी दयानंद जी के श्रद्धा उनके बारे में जो विषय रखे गए थे उसमें गया था। तो विश्वविद्यालय में जाकर जो आवश्यक चीजें हैं उसे करने का प्रयास किया मैंने। मैंने कोशिश ये की है कि राजस्थान के सभी जिलों में तो सबको भी नहीं था, लेकिन मैंने मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती इन क्षेत्रों में जाना हुआ है और सब मिलाकर लगभग 18 जिले इसमें कवर होते हैं। तो उन स्थानों पर मैं गया और उसमें हमारा एक प्रयास रहा है कि लोगों को सकारात्मक दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है, ये हमारी तरफ से प्रयास हुआ है। जहां कोई चीज लगा मुझे कि इस पर विचार होना चाहिए, यहां मैं बैठकर आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किया हूं और मुझे लगता है कि उस दिशा में काम करने का प्रयास भी होता है। इस ढंग से मैंने 100 दिन पूरा किया हूं, पुस्तक है आपके पास और जा सकते हैं। 2 दृष्टि से मैंने शिक्षा और जनजाति विकास, एक बार हमने विभिन्न प्रकार की बैठक की। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो भी शासकीय स्तर पर वित्त पोषित हमारे विश्वविद्यालय हैं, इनके इनके कुलपतियों को यहां बुलाया था मैं और दिन भर का 10:30 से लेकर 6 बजे तक लगातार